अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और ऑनलाइन या प्रेस मीडिया के जरिए न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने जो है यहां पर एक बहुत ही बड़ा रूल जो है वो एप्लीकेबल कर दिया है कि अब डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एप्लीकेबल किया, तो स्ट्रिक्टनेस इसके ऊपर में कितनी क्या रहेगी और फर्दर क्या गाइडलाइंस आएंगी, तो वो तो डेफिनेटली आपको हम जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको बताएंगे। लेकिन आज ये जानना जरूरी है कि क्या अपडेट जो है वो लगाई गई है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, यानी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में। तो बेसिकली यहां पर जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटली एडवर्टाइजमेंट चला रहे थे और फेक एडवर्टाइजमेंट चलाई जा रही थी, और जिसके चलते बताया कुछ और जा रहा है लेकिन उसको जो है एंड में दिया कुछ और जा रहा है, जिसके चलते कई सारे केसेस किए गए और वो केस पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट तक। और फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी केसेस को स्टडी करने के बाद ये डिसीजन लिया कि इसके ऊपर में भी एक जो है लगाम कसनी पड़ेगी, क्योंकि इससे फ्रॉड अगर करते जाएंगे तो ये और बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे में जो है यहां पे इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जो है एक अलग से वेबसाइट बनाई है जिसका नाम दिया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इसके अंदर जितने भी एडवर्टाइजर हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के जरिए या फिर जो है ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के जरिए जो है, यानी कि गूगल एड, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड या किसी भी तरह की कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आपको जो है यहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यानी ऑथराइजेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए, और जितनी भी एड आप रन करते हो उसको भी जो है वहां पे आपको सबमिट करना पड़ेगा, एंड दैट टू बिफोर एडवर्टाइजिंग। तो बेसिकली अभी इसको जो है लेकर जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक यूट्यूब है या गूगल है या कोई अदर वेबसाइट्स वगैरह हैं, उनके ऊपर इस तरह का जो है किस तरीके का इंपैक्ट आएगा, क्या रूल रेगुलेशंस रहेंगे, वो तो डेफिनेटली आने वाले समय में ही अपडेट आएगा तो वो पता चलेगा। लेकिन अब यहां पर जो है मैं आपको बता दूं, जो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें यहां पे ये है वेबसाइट जो कि है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, और यहां पे आप देख सकते हैं आपको साइन अप करना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि अगर आप एक एजेंसी हैं, आप अपने क्लाइंट्स की एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं या फिर आप डायरेक्टली खुद की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, दोनों ही केस के अंदर जो है आपको यहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आप ऑथराइज हो या नहीं हो वगैरह वगैरह सारी डिटेल यहां पे दी गई है, किस तरीके का फॉर्मेट रहेगा तो वो भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी आपका जो लेटर है वो किस तरीके का ऑथराइजेशन लेटर रहेगा जो आपको यहां पे अपलोड करना है, वो बेसिकली सारी डिटेल यहां पे बताई गई है, राइट। तो उसके बाद जो है आपकी ये रही वेबसाइट, और इसके बाद अगर आपकी गाइडलाइंस की बात करें तो काफी सारी यहां पे गाइडलाइन फॉर यूजिंग दी ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल ऑब्लिक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पोर्टल बाय एडवर्टाइज ऑब्लिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर अपलोडिंग सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। यहां पे पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं कि क्या क्या आपको चीजें फॉलो करनी है और किस तरीके की आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको करनी है, वो सारी आपको यहां पे जो है गाइडलाइन दी गई है, और साथ ही साथ जो है यहां पे सैंपल फॉर्मेट भी दिया गया है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है वो किस तरीके का होना चाहिए कि आप ऑथराइज हैं, मान लीजिए आप एक डिजिटल एजेंसी हैं और किसी दूसरे के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए भी जो है आपको यहां पे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है यहां पे बहुत ही सिस्टमैटिक यूजर मैनुअल भी दिया गया है। अब इस यूजर मैनुअल के अंदर यू कैन सी सारी डिटेल्स आपको बताई गई हैं कि किस तरीके से आपको ये काम करना है, बेसिकली इसके अंदर अपलोड वगैरह करना है। स्टेप वन के अंदर दिया गया है कि आपको यहां पे साइन अप कैसे करना है, तो उसको भी स्क्रीनशॉट के साथ में यहां पे एज यू कैन सी यहां पे बताया गया है, और साथ ही साथ यहां पे साइन पूरी डिटेल भरने के बाद आप साइन अप करेंगे, और साइन अप करने के बाद स्टेप टू आ जाता है जहां पे आपने लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद स्टेप थ्री आ जाता है जो भी आपका वंस यू आर लॉग्ड इन डैशबोर्ड विल appear to generate सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। यहां से आपका जब लॉग इन करेंगे तो वहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो सर्टिफिकेट है वो आप यहां से जनरेट कर पाएंगे। सो बेसिकली वो जनरेट करने के बाद जो आपको इस तरह का पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, यहां पे सारी चीजें आपको स्टेप फोर के अंदर आपकी जो भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स वगैरह है वो आपको यहां पे फिल करके सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद जो है स्टेप फाइव है, उसके बाद जो है वो आप सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते।
सकते हैं। सो बेसिकली ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे बताई गई हैं आपको किस तरीके से क्या क्या रहने वाला है, पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो यानी कि अब जो है अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट खुद के लिए कर रहे हैं या किसी एजेंसी के लिए कर रहे हैं या किसी और अपनी कंपनी हो गई या फिर अपने क्लाइंट्स हो गए उनके लिए कर रहे हैं, तो आपको ये काम करना मैंडेटरी है। हालांकि यहां पे जो भी चीजें दी गई हैं उसमें यह क्लियर नहीं किया गया है कि आपको जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो सभी के लिए यह करना पड़ेगा या फिर एक बार सिंगली आप जो है उसका ऑथराइजेशन लेटर अपलोड करने के बाद जनरेट करने के बाद जो है आप चाहे जितनी भी एड रन कर सकते हैं, ऐसा कोई डिक्लेरेशन यहाँ पे हालांकि नहीं है। अब ये कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा तो ये तो डेफिनेटली अभी नहीं पता। डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिलीज किया है, इस पर काम किया है इतना सारा, तो डेफिनेटली ये फॉलो तो किया जाएगा। लेकिन अभी जो है यहां पे बात ये आती है कि अब जितने भी चाहे वो न्यूज़पेपर के अंदर है क्या उसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, जो मैगजीन्स के अंदर दे रहे हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, जो ऑनलाइन हम पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी रहेगा, या फिर ऑर्गेनिकली जितनी भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं लाइक यूट्यूब के ऊपर में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं वो अपने यूट्यूब के जरिए भी कई बार एडवर्टाइजमेंट अपने चैनल के थ्रू देते हैं जहां पे मिलियंस ऑफ का जो है ट्रैफिक उनके उस चैनल पे अवेलेबल है, ये कहां कहां पे एप्लीकेबल होगा। हालांकि इतना डिटेल के अंदर जो है अभी तक यहां पे चीजों को क्लियर नहीं किया गया, तो डेफिनेटली ये तो जरूर है कि आप अगर एक डिजिटल मार्केटर हैं तो ये आपको अभी से फॉलो जरूर कर लेना चाहिए, अगर नहीं किया क्योंकि आगे आने वाले समय में और कितनी गाइडलाइंस आएंगी ये अभी तक नहीं पता। लेकिन डोंट वरी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आप तक जो है ये सारी अपडेट जो है वो पहुंचाते रहेंगे। आई होप गाइस कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप और इस तरह की जो अपडेट्स वगैरह के लिए या फिर डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी डोमेन से रिलेटेड अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।